फ्रेंड, मैं कुमकुम सिंह, कुमकुम के रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं मिक्स वेज का रेसिपी बता रही हूँ। आप मेरे विधि से एक बार बना के जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मैं मिक्स वेज बना के दिखाती हूँ। मिक्स वेज बनाने के लिए ये चार आलू कट कर ली हूँ, दो गाजर है उसको भी कट कर ली हूँ, चार छः बीन्स है उसको भी काट ली हूँ, एक टमाटो है उसको भी कट कर ली हूँ, एक बड़े साइज़ का प्याज है इसे भी कट कर ली हूँ, और आप इसे ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। हाफ चम्मच जीरा है, खड़ा जीरा है, इसके मैं छौंक लगाऊंगी, दो तेज पत्ता है, हाफ गोभी का गांठ है इसको मैं कट कर ली हूँ, ये मटर का दाना है, एक बॉल मटर का दाना ली हूँ, ये पीसा मसाला में मैं ये लहसुन की गलियाँ हैं, तीन चार मिर्च है, आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं, और हाफ चम्मच गोल की एक चम्मच जीरा ली हूँ, यह आधी इसका मैं पेस्ट तैयार कर ली हूँ, ये हल्दी पाउडर है, ये किचन किंग है, ये कश्मीरी मिर्च है, ये धनिया पाउडर है, ये नमक है, इसे स्वाद अनुसार डालूंगी मैं। मिक्स वेज मैं रिफाइन में बनाऊंगी, और रिफाइन में बनाइएगा क्योंकि इससे इसका मीठा स्वाद आता है। सबसे पहले मिक्स वेज में सबसे पहले गोभी तल के निकाल लें, क्योंकि अगर गोभी नहीं तलेंगे तो बाद में ये कच्चापन इसके रह जाता है। ऐसे तैसे सारी सब्जियां लोग तल के निकालते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ऑयल चला जाता है, इसलिए मैं बस गोभी तल के निकालती हूँ और बाद बाकी सब्जी को एक साथ भून लेती हूँ। अब मैं जीरा डालूँ, आलू डालूँ, देखिए मेरा आलू भुन गया है, अब इसमें थोड़ा बीन्स डाल दे रही हूँ, इसे भी भूनना रहता है अच्छे से, क्योंकि कभी कचापन निकल जाए। अब मैं इसमें थोड़ा गाजर डाल दे रही हूँ, देखिए मेरा आलू और ये बीन्स थोड़ा भुन गया है, अब मैं इसमें प्याज डाल दूँ, क्योंकि प्याज डालने के बाद सब्जी कम भुनता है, हल्का हल्का भुनेगा। देखिए मेरा सारा सब्जी अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसमें मटर डाल रही हूँ, देखिए मेरा मटर भी अब पक गया, अब इसमें मैं टमाटर डाल रही हूँ, ये पिसा मसाला मैं डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ इससे कलर अच्छा है, ये पीछे में नमक है, मैं स्वाद अनुसार डाली है। मिक्स वेज में सब्जी जब अच्छे से भुन जाता है तभी स्वाद अच्छा आएगा, नहीं तो जब तक सब्जी भुना नहीं रहेगा टेस्ट नहीं आता है, इसलिए पहले सब्जी भून लें उसके बाद ही डालें। और जब भी अगर घर में सब्जी हरी सब्जी ना हो तो चिंता का बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब्जी से भी आप मिक्स वेज बना सकते हैं और काफ़ी स्वादिष्ट बन जाता है, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, और इस तरह से आप सारी सब्जी बच्चों को खिला भी सकते हैं। देखिए मेरा मसाला भी अब भुन गया हल्का, अब मैं इसमें पत्ता गोभी डालती हूँ, क्योंकि पत्ता गोभी पहले डाल देंगे इसे मसाला नहीं भुन पाएगा। अब मैं इसमें गोभी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं गोभी पहले तल के निकाल ली थी, थोड़ा मैं इसे पानी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूंगा, थोड़ा सा डाल दूँगा। देखिए मैं इसको मिक्स कर दी, थोड़ा पानी भी डालती हूँ, इसको ढक रही हूँ, अब देखिए मेरा मिक्स भी जब तैयार हो गया है, इसे मैं एक दो बार पहले भी चला ली हूँ, कम आँच पे करके छोड़ी थी, मैं एक एक बार चला रही थी, देखिए मेरा आलू एकदम देखिए कट जा रहा है, एकदम इजी वे में कट रहा है। अब इसमें थोड़ा मैं गरम मसाला डालूँगी, क्योंकि गरम मसाला के बिना तो सब्जी अधूरा है। और ये मैं घी डालूँगी, घी बटर जो भी आप इस्तेमाल करें जरूर डालें, तो किसी चीज़ का मीठा स्वाद आता है। देखिए मेरा मिक्स भी तैयार हो गया, आप इसमें धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ, और मैं अंदर भी डालती हूँ, इसको चला दे रही हूँ, इसे सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए मेरा मिक्स वेज एकदम तैयार हो गया, मैं धनिया पत्ते से गार्निश कर रही हूँ, इस तरह से आप बना के जरूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट करें कैसा बना आपका मिक्स वेज।